हैंडसम हंक लक्ष्य का ये अंदाज देखो, फोटोशूट में आज लक्ष्य कर रहे हैं कमाल। देखो सीरियल पोरस भले ही छोटे पर्दे को अलविदा कह चुका है, लेकिन पोरस यानी के लक्ष्य लालवानी छुट्टी के मूड में बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य अपने फ्री टाइम को कर रहे हैं परफेक्टली यूटिलाइज। यूमी और टीवी आज पहुंचा है वहां जहां लक्ष्य करवा रहे हैं अपना फोटोशूट। चलिए चलिए आप भी देखिए कैसे लक्ष्य डिफरेंट डिफरेंट लुक्स में कैमरा के सामने दे रहे हैं एक से बढ़कर एक पोज। इस फोटोशूट में लक्ष्य ने कई लुक्स ट्राई किए, व्हाइट टी शर्ट, ब्लैक लेदर जैकेट, हैवी बियर्ड और लंबे खुले बाल। अपने इस लुक में लक्ष्य लग रहे हैं काफी डैशिंग। इसके बाद बारी आई लुक नंबर टू की, तो यहाँ लक्ष्य ने अपने लुक्स के साथ छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। डेनिम शर्ट के साथ लक्ष्य ने अपने लॉन्ग हेयर्स को हाई बन में टाइट कर लिया। लक्ष्य का लुक नंबर थ्री रहा सूट बूट वाला। कैमरा के सामने लक्ष्य का ये अंदाज तो आपने देख लिया। चलिए अब लक्ष्य से मिलकर जानते हैं कि इस फोटोशूट की वजह क्या है। यूमियो टीवी पे आज आपके अपने पोरस कुछ करा रहे हैं यूनिक, और वो क्या करा रहे हैं हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका फिर से स्वागत है यूमियो टीवी पे। थैंक यू सो मच नवीन, मेरा स्वागत करने के लिए थैंक यू सो मच। आई नो व्हाट ऑल यू आर डूइंग टुडे, आज हम क्या कर रहे हैं आप, वो ज्वेलरी, हेवी ज्वेलरी वगैरह सबसे वही एक ऑब्जेक्टिव था मेरा, यू नो आई वांटेड टू ब्रेक माई जो मेरी इमेज बनी हुई है अभी, यू नो द ज्वेलरी गाय विद यू नो बिग बॉडी एंड एवरीथिंग, उसको थोड़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मेरी जो वार्डरोब आपने चेकआउट की होगी, तो आई एम कीपिंग माय क्लोथ वेरी सिंपल, एज यू सी, एज यू कैन सी दैट आई एम वेयरिंग अ व्हाइट टी शर्ट, आई एम वेयरिंग ब्लैक, आई एम वेयरिंग डेनिम, आई एम कीपिंग इट वेरी सटल एंड अंडरटोन, आई एम कीपिंग इट वेरी लाइट एंड काम। अच्छा तो जब शो मतलब आपने शो क्विट किया, उसके बाद इन दौरान क्या क्या किया आपने? शो क्विट नहीं किया, शो खत्म हो गया मेरा, लिमिटेड सीरीज थी। ऐसे मत बोलो यार, क्विट किया था। तो शो समाप्त होने के बाद मैं यू नो मैं गया मुंबई, आया था मैं एक महीने के लिए, मतलब एक महीना हो गया मुझे मुंबई आए हुए। उसके बाद कुछ ऐसा कुछ किया नहीं, बस ये फोटोशूट प्लान कर रहा था मैं, तो इसमें ही 15-20 दिन लग गए। बाकी दोस्तों से मिला, यू नो जिससे मिलना था उससे मिला, एक साल डेढ़ साल किसी से मिल नहीं पाया था, तो बस वही कर रहा था, वो सोशलाइजिंग, मीटिंग पीपल एंड नाउ डूइंग अ फोटोशूट। क्या क्या लुक थे आपके, अगर आप हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करें? आई स्टार्टेड ऑफ वेयरिंग अ लेदर जैकेट, यू नो आई वॉज कीपिंग इट वेरी रॉ, मतलब दाढ़ी भी थोड़ी थी उसमें, हैवी दाढ़ी रखी हुई थी, बाल एकदम मैसी रखे हुए थे। दैट वॉज माई फर्स्ट लुक, एंड सेकेंड लुक वॉज मोर ऑफ अ वेरी सटल, वेयरिंग अ सूट, ब्लू सूट, यू नो एंड टाई, आई टाइड माई हेयर, नीट हेयर, तो कॉन्ट्रास्ट मिलता है, यू नो योर मैसी एंड योर नीट एट द सेम टाइम, तो वो कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो कितना इंजॉय किया आपने इस फोटोशूट का? बहुत किया, अभी और बाकी है, काफी जर्नी अभी लंबी है, 7 से 8 लोग करने वाले हैं आज हम लोग, तो काफी लंबा फोटोशूट है, काफी लेंदी है, इट्स ऑलवेज फन यार, क्योंकि फोटोशूट ऐसा एक मीडियम है जहाँ पे आपके एक्सप्रेशन बहुत मायने रखते हैं, यू नो टेलीविजन एक्टिंग तो चलो ठीक है, ये दिस इज लाइक प्रीटी इंपॉर्टेंट फॉर मी। टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, आर यू गोइंग टू मिस दैट कैरेक्टर? डेफिनेटली आई स्टिल मिस, आई एम मिसिंग इट ऑलरेडी, यू नो क्योंकि इस कैरेक्टर के अंदर जान डाली थी, यू नो चलना उसका, बोलना उसका, सब कुछ, यू नो इट वॉज लाइक another person in me, I was feeling like another person is living my life, so it was everything for me. अच्छा normally हम देखते हैं कि जब भी हम show quit होता है तो अगर जैसे look change होता है, तो आपने अभी तक haircut क्यों नहीं करवाया, कुछ ऐसा कुछ है आगे भी?
ऐसा कुछ नहीं है, बट यू नो टू बी ऑनेस्ट, आई एम इन सम, जिसके साथ भी बातचीत अभी चालू है, यू नो इट्स गोना बी वेरी बिग फॉर मी, इफ इट हैपेंस दे रिक्वायर मी इन लॉन्ग हेयर, ओके, सो इफ इट हैपेंस देन या आई विल कीप द लॉन्ग हेयर, इफ इट डजंट हैपन देन आई विल चॉप इट ऑफ फॉर न्यू ईयर्स। और ये तो हम एक तरह से कहें तो आप मतलब हम लक्ष्य को फिर से छोटे पर्दे पे देख पाएंगे जल्दी? आई विल नॉट रिवील कि छोटा पर्दा है बड़ा पर्दा है, लेकिन जो भी है यू नो इट्स गोना बी वेरी रॉकिंग। ऑल राइट, थैंक यू सो मच लक्ष्य हमारे साथ बने रहने के लिए। कैमरा पर्सन लालचंद के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई।